बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए चॉकलेट चिप कुकीज़ की रेसिपी लाई हूँ, और इसे हम ओवन में बनाओगे, विदाउट ओवन भी बनाएंगे। और इसे आप अपने किसी भी फ्रेंड को गिफ्ट कर सकते हैं, बर्थडे पे, ऐसे ही फ्रेंडशिप डे पे, किसी पे भी। ये बहुत मज़े की बनती है। तो बस बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल हमारा फर्स्ट स्टेप है हैंड वॉश। तो अब मैंने यहाँ पर लिया है एक बोल। अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं एक कप अपना पिघला हुआ मक्खन। कुछ लोग यहाँ पे सॉफ्टन यानी कि रूम टेम्परेचर पर बटर यूज़ करते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी आप पिघला हुआ यूज़ करें। ऑयल आप कोकोनट ऑयल भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप घी इस्तेमाल करना चाहें तो आप पहले घी की स्मेल निकाल लें, फिर आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ये डाल दिया मैंने। अब जाएगी इसमें तकरीबन एक कप ब्राउन शुगर, और इसमें जाएगी आधा कप वाइट शुगर। तो ब्राउन शुगर, अगर आपको चीनी थोड़ी सी कम पसंद है तो फिर आप क्वांटिटी चीनी की थोड़ी कम कर दें। यहाँ मैंने थोड़ी तेज़ डाली है क्योंकि मुझे तेज़ मीठा पसंद है। तो अब जाएगा इसमें वनीला एसेंस और एक्सट्रैक्ट 1 टीस्पून। ब्राउन शुगर यहाँ पर ज़रूरी है क्योंकि हम यहाँ पे कुकीज़ बना रहे हैं, बिस्किट्स नहीं बना रहे। और ये च्यूई बनेंगी, क्रंची नहीं बनेंगी। बाहर से क्रंची होती है, अंदर से च्यूई होती है, यानी कि अंदर से ये सॉफ्ट बनती है। डाल दिया वनीला एसेंस मैंने। अब ये डाल के इसको मैं विस्क की मदद से मिक्स कर लूँगी। मैंने इजी रखा है, बीटर, इलेक्ट्रिक बैटर कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। तो बस इसे मिक्स कर लेंगे। ये बहुत मज़े की बनती है। आप इसे किसी भी प्यारे से बॉक्स में डाल के अपनी फ्रेंड को दे सकते हैं। मैं आपको आगे आइडिया बताऊँगी आप किस तरह डाल के दे सकते हैं। खैर, बस आपने अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और इसकी बहुत मज़े की बात है, आप इस कुकी जो डो है ख़ुद के लिए बना सकते हैं ऑब्वियसली, और फिर आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं 7 डेज के लिए, और फ्रीज भी कर सकते हैं इस कुकी डो को। अब जाएगा इसमें 2 अंडे, क्योंकि मैं ये रेसिपी ज़्यादा करके बना रही हूँ क्योंकि हमारे घर में कुकीज़ बहुत शौक से खाते हैं, और ये मैं स्टोर भी कर लेती हूँ, इसलिए मुझे अच्छी लगती है। तो ये डाल दिया एक अंडा, फिर चला जाएगा दूसरा अंडा। हमेशा की तरह अपने अंडे को पहले एक अलग बोल में पैक कर लें, क्योंकि आजकल गर्मी है तो फिर अंडे ख़राब ही हो सकते हैं, और अंडे मेरे रूम टेम्परेचर पर हैं। मैंने वो ब्राउन शुगर वाला बोल ही इस्तेमाल किया है। बस ये डाल के इसको हम अपने बोल में डालेंगे, फिर इसको विस्क कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे जो मैंने मक्खन यूज़ किया है उसमें थोड़ा सा नमक था, यानी कि वो सॉल्टेड बटर था, इसलिए मैं अपनी जो कुकी बटर है मैं नमक नहीं डाल रही। अगर नहीं आपका मक्खन अनसॉल्टेड है तो फिर आप नमक ज़रूर शामिल कीजिएगा, आधा चम्मच, क्योंकि नमक से इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। और आप घर का मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, उससे भी कुकीज़ बहुत मज़े की बनती है। मैंने भी ट्राई की थी घर के मक्खन से। बस ये डाल के इसको हम अच्छे तरीके से विस्क कर लेंगे दोबारा से। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी है। तब हम यहाँ पे स्पैचुला को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे चला जाएगा आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं। अब यहाँ पे 2.5 कप मेरे पास मैदा। अब देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने इसमें व्हीट फ्लार यानी कि आटा भी मिक्स किया ताकि थोड़ा सा हेल्दी हो जाए। तो बस अब ये डाल देंगे हम अपने बाउल में। साथ ही एक डाल लेना, हमें थोड़ा थोड़ा करेंगे, ज़रूरत ही हमने एक ही दफ़ा सारा डाल देना है। अपने वेस्ट को निकाल के स्पैचुला इस्तेमाल करना है, फिर इसे कट एंड फोल्ड मेथड से हमने इसे मिक्स कर लेना है। अब आपको मैं बार बार बता रही हूँ, कुकीज़ हैं बिस्किट्स नहीं, तो उसका बैटर स्टिकी होता है बिस्किट्स की तरह, एक प्रॉपर डो की तरह नहीं होता। तो इसे हम रखेंगे अब फ्रिज में, वो मैं आपको बताती हूँ। तो बस अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से, ज़्यादा मिक्स नहीं करना, बस इतना करना है कि आपको मैदा नजर ना आए, जब मैदा गायब हो जाए, यानी कि जब मैदा अच्छे तरीके से आपके बैटर में मिक्स हो जाए। मिक्स कर, देखिए मैंने मिक्स कर लिया, थोड़ा सा और रहेगा। अब आपने मैं जो कुकी डो को इसमें चॉकलेट के चंक्स डाल के, चॉकलेट चिप्स डाल के, जो भी आपको पसंद है, इसको मैं ओवरनाइट फ्रिज में रखूँगी। वैसे तो आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट्स के लिए ओवरनाइट में रखूँगी। तो ये मैं आप देख रही हूँ मिक्स कर रही हूँ इसको, मतलब कि कट एंड फोल्ड मेथड से हमने इसको मिक्स करना है, बहुत हिला हिला के नहीं करना मिक्स। खैर, अब ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, ये है इसकी कंसिस्टेंसी, स्टिकी है, ये डो की तरह नहीं है, मैं बार बार बता रही हूँ। तो अब डालूंगी मैं इसमें चॉकलेट। अब जैसा कि हमें चाहिए इतनी चॉकलेट जितनी अवेलेबल है उतनी डालें, क्योंकि हमें तो पसंद सही बात है इतनी होती है कि बैटर से बाजार डालें। तो मैंने यहाँ पर डाली तकरीबन 75 ग्राम्स चॉकलेट। ये डार्क चॉकलेट मैं इस्तेमाल करी और ये चॉकलेट के चंक्स हैं। तो अब आपने यहाँ पर चॉकलेट चंक्स डालना चाहते, चॉकलेट चंक्स भी डाल सकते हैं, चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं, यानी कि डेयरी मिल्क जो होती है उससे भी आप क्रंच क्रश करके हाथ से डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने जैसा कि चॉकलेट को चॉप किया था, तो मैंने कुछ जो चॉकलेट के चंक्स है वो बहुत छोटे हो गए थे, जैसा ये गर्मी है तो वो मेल्ट भी हो गए थे, तो फिर
तो मेरे कुकी का जो बैटर था वो थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो गया था चॉकलेट की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं, चॉकलेट ही है खैर है। बस ये डाल के हमें इसे मिक्स करना है, सारी चॉकलेट डालने की, ओवर मिक्स हमने बिल्कुल भी नहीं करना है इसको। तो अब इसके हम देख लें, अब इसको अब मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये है देखिए, मैंने मैदा अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, ओवर मिक्स बार बार बता रही, बिल्कुल नहीं करना, कुकीज़ अच्छी नहीं बनेंगी वरना। तो ये देखिए, ये है कंसिस्टेंसी इसकी, मैं हाथ से भी दिखा देती हूँ आपको। ये इस टाइप की स्टिकी है, ये भी हाथ में नहीं आएगी आपके। तो अब मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी। अब आपको अगर बहुत जल्दी है तो आप फ्रीजर में भी रख सकते हैं, शॉर्टकट है ये, लेकिन बेस्ट रिजल्ट्स के लिए मैं तो इसे ओवरनाइट रखती हूँ। तो मिनिमम आप इसे 1-2 घंटा भी रख सकते हैं तो काम चल जाएगा। तो ये मैंने एक दिन बाद निकाला है। यहाँ पे मेरे पास एक स्कूप है, कुछ मैं बड़ी कुकीज बनाऊंगी, कुछ मैं छोटी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने एक स्कूप से ट्राई भी किया था, आपको नजर आ रहा होगा। खैर अब मैं निकालूंगी स्कूप से अपनी एक कुकी। तो इस रेसिपी से कुकीज बहुत माशाल्लाह ज़्यादा बन जाती हैं, तकरीबन 16 बड़े साइज की बन जाएंगी आराम से स्कूप की मदद से। अगर आपके पास स्कूप नहीं है तो आप टेबल स्पून या जो मेजरमेंट होती है उससे बना लें। इससे क्या होगा कि जो हमारी कुकीज़ होंगी वो सेम शेप की बनेंगी, वरना फिर डिफरेंट शेप की बनती है। अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो फिर आप अंदाजे से ही कर लें तो भी चलेगा। तो बस अब मैं इसको डाल रही हूँ, देखिए मैंने स्कूप आउट कर दिया। हमें प्रॉपर शेप देने की इसको ज़रूरत नहीं, ये रफली भी सही है। अब आप कहेंगे मैं इसे ट्रे में क्यों डाल रही हूँ, बेकिंग डिश में क्यों नहीं डाली, क्योंकि ये बैच हमारा दोबारा जाएगा फ्रिज में जाने से ये जो कुकीज़ हैं हमारी इवनली बेक होंगी और साथ इनका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। ये वैसे ऑप्शनल स्टेप है लेकिन इससे रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैं इसे 20 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखूँगी। तो ये मैं स्कूप से आप देख रहे हैं बना रही हूँ। तो ये मैंने लिया एक टेबल स्पून, इससे भी मैं आपको सिखा देती हूँ। ये देखिए, इससे हम निकालेंगे थोड़ा सा बैटर, इससे टेबल स्पून की मदद से ये निकाल के इसे हम सर्कल शेप देंगे। आप 2 टेबल स्पून की मेजरमेंट ले सकते हैं, जितनी आपको पसंद है, कोई मसला नहीं है। ये लेके हम इसको डाल देंगे। बस ये है कि थोड़ा सा टाइम वेरी करेगा सब दोनों का, जो बड़ी है उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, जो छोटी है वो थोड़ा कम। मैं आपको भी फ्राई पैन में भी कुकीज़ बनाना सिखाऊंगी, तो वो भी देखिएगा उसका मेथड। खैर अब मैं ये छोटी छोटी चीज़ें बनाती जा रही हूँ। अब आपने इन कुकीज़ को बनाना है, अपनी फ्रेंड को ज़रूर गिफ्ट करना है, चाहे उसकी बर्थडे है या फिर फ्रेंडशिप डे या ऐसी उसे नाराज है वो तो उसे कहना है। तो ये बहुत अच्छा है और बहुत मज़े की लगती है, सीरियसली ये इतनी मज़े की बनती है कि मेरी फेवरेट है। अब इसको रख दिया मैंने फ्रिज में तकरीबन 20 से 30 मिनट के लिए। अब यहाँ पे मैंने लिया एक ट्रे, इसको मैं कर रही हूँ ग्रीस। तो पहला बैच जाएगा मेरा ओवन में, तो मैंने इनको ग्रीस कर लिया, मैं फ्रिज से लेने गई हूँ अपनी कुकीज का जो बैच है वो। अब मैं रख दूंगी इसको, ये देखें। अब इनको मैंने देखे शेप नहीं दिया प्रॉपर, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप ऐसे ही इनको रख दें तो ये इवनली बेक हो जाएंगे, क्योंकि हमने इन्हें फ्रिज में रखा था, ये देखिए। अच्छा, अब आपने कुकीज़ को 200 डिग्री सेल्सियस पे पकाना है तकरीबन 10 से 12 मिनट में। ये जल्दी बेक हो जाती है, इनको ओवर कुक नहीं करना है वरना ये क्रंची हो जाएंगी और फिर ये च्यूई नहीं रहेंगी। तो यहाँ पे मैंने लिया एक नॉन स्टिक पैन, जो हम पैन में बनाएंगे, आप तवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको अच्छे तरीके से आपने ग्रीस कर लेना है। तो यहाँ पे इसको मैंने ग्रीस कर लिया, इसमें रख दूंगी मैं अपने कुकीज़। वहाँ पे थोड़े डिस्टेंस से रखनी, क्योंकि आप याद रहे कि ये स्प्रेड हो जाएंगी, और हमने इनको फ्लैट नहीं करना, जैसे सर्कल ही में रखना है, ये इटसेल्फ ही फ्लैट हो जाएंगी। तो बस इनको मैं डाल रही हूँ, तो स्पेस रख के डाल के इनको हम लो फ्लेम पे पकाएंगे, इनकी जितनी आहिस्ता हो सके फुल लो फ्लेम पे, यानी कि जिसे हम दम वाली आग कहते हैं ना, जिसे पाकिस्तान में दम वाली आग कहते हैं, उतनी आग आपने इसकी रखनी, तेज़ बिल्कुल नहीं करनी वरना ये जल जाएंगी, इनका टेस्ट पर अच्छा नहीं आएगा। रिजल्ट्स दोनों की बिल्कुल सेम है, मैं आपको अभी ये दिखाऊंगी आगे। तो बस इसको अब मैंने एक ढक्कन ले लिया, मुझे थोड़ा बड़ा है लेकिन कोई बात नहीं, ये सबसे बेस्ट सूट करता है। अब आपने देखना है इसकी जो स्टीम है वो बिल्कुल बाहर ना निकले। तो ये देखिए मैंने रख दिया इस पर, और अब इसको लो फ्लेम में बेक कर लूँगी। और अब मेरी ओवन वाली कुकीज़ रेडी हो चुकी हैं, तकरीबन 15 मिनट लगे इसको। अब आपने प्लीज़ इसको गरम गरम बिल्कुल नहीं उतारना है, वरना ये टूट जाएंगी, क्योंकि ये बहुत गर्म सॉफ्ट होती हैं गरम गरम। तो आप आपको जितना पसंद आ गया, आपको क्रैक्स पसंद है कुकीज़ में, तो आप थोड़ा सा और बेक कर लें, और अगर आप गरम गरम उतार लेंगे तो यही होगा जो मेरे साथ हुआ था, मैंने जल्दी की। और ये देखिए कुकीज़ नीचे से फिर आपके साथ आएंगे, नहीं तो ये हुआ मेरे साथ, तो आप जी बिल्कुल मत कीजिएगा। तो ये देखिए जी, कुकी हमारी रेडी हो चुकी है,
देखिए बिल्कुल जली नहीं हुई, तो मेरी अभी नॉन जो फ्राई पैन वाली वो बेक हो रही, वो मैं आपको दिखाऊंगी जब वो हो जाएंगी बेक। तो अब आप इसे गिफ्ट पता किस तरह कर सकते हैं, एक मैंने कोई भी बॉक्स ले लें प्यारा सा, कोई बास्केट ले लें, उसमें डाल लें कुकीज़ अपनी जो अपने प्यार से बनाई है उसके लिए, या आप खुद खुद भी इनको ज़रूर खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बहुत मज़े की बनती है। बस अभी डाल दिए इसके ऊपर, लगा दिए मैंने ढक्कन, और आप इसे फ्रेंड को गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी जार लें कंटेनर लें तो उसको उसमें कुकीज़ डाल के उसको गिफ्ट कर दें, या फिर आप खुद भी जैसे मैंने बताया रख सकते हैं इनको जार में या किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं और फ्रिज में भी। लेकिन आज के जैसा कि गर्मी है तो सजेशन है कि आप फ्रिज में ही रखें, इससे थोड़ी ज़्यादा अच्छी रहेंगी। लेकिन अगर सर्दी है तो फिर आप इसे तकरीबन 1 वीक के लिए रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पर, फ्रिज में तकरीबन 2 से 3 वीक चल जाएंगी। आप कुकी की डो को फ्रीज भी कर सकते हैं अराउंड 7 to 8 days। तो ये देखें आप दें गिफ्ट, तो यहाँ पर मैं खोल रही हूँ, अब मैं आपको कुकीज दिखाऊंगी ज़रा कि कैसी है अंदर से। बाहर से ये थोड़ी सी क्रंची होती है और अंदर से ये बहुत सॉफ्ट रिची हुई होती है। तो बाहर से आपको थोड़ी सी आवाज़ आएगी इसके, लेकिन जब आप खोलेंगे इसको अंदर से तो ये सॉफ्ट है। सीरियसली जब इसके अंदर गरम गरम हम खाते हैं ना, चॉकलेट मेल्ट हुई भी बहुत मज़े की लगती है। तो आप कुकी को फ्रिज में रख लें और जब आपका दिल चाहे इसे माइक्रोवेव में 20 to 30 seconds गर्म कर लें, रखा है बहुत मज़े की, मेरी तो फेवरेट है। अब हम पैन वाली कुकीज़ को देख लेते हैं, यहाँ पर उनको मैं फ्लिप कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने फ्लिप कर लिए, तो अब मैं इनको निकाल रही हूँ अपने प्लेट में, रेडी हो चुकी हैं। 15 मिनट्स मैंने एक साइड से पकाया, 5 मिनट मैंने एक साइड से पकाया। तो बस हम इसको निकाल रहे हैं हम अपने किसी भी प्लेट में, तो 2 मिनट मैंने ठंडा होने दिए। तो अजान हो रही है, इतना रुक जाऊँ। तो ये ठंडी हो चुकी हैं, अब थोड़ी सी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने टेस्ट किया इनको, ये बिल्कुल उसी जैसी जैसे मैंने बनाई ओवन में, टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पे गर्म है, मुझसे पकड़ी नहीं जा रही, आप देख रहे हैं, लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो क्या थोड़ी ठंडी हो जाए फिर देख लेते हैं हम इनको। खैर ये देखें वैसे है तो ये बहुत अच्छी सॉफ्ट। तो सिर्फ फ्रेंड को नहीं बल्कि आप अपने बहन भाई को भी दे सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली मेरे पर्सनल मेरे बहन भाइयों को ये बहुत पसंद है कुकीज़, तो आप भी अपने भाई को गिफ्ट कर सकते हैं ये। तो बस अगर आपको लगता है मैंने आपको कुछ अच्छा सिखाया है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, इसे शेयर करना है, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो अब आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।